नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। इमरती देवी ने इस बार अपनी ही हार का ठीकरा सीधे सीधे पार्टी के लोगों पर ही फोड़ा है। इमरती देवी ने अपने बयान में दावा किया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने पूरे चुनाव में अपनी दम पर लड़ा है। इमरती ने लोकसभा टिकट के लिए भी कहा है कि उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं, यदि मांगती तो जरूर मिलता। आपको ये गलत कहना है कि मैं टिकट मांग रही थी। अगर मैं टिकट मांगती तो टिकट मिलता। मैंने टिकट लोकसभा का मांगा ही, किसी नेता से मांगा हो तो कोई बता दे कि हमसे। मैंने ज्योतिरा सिंधिया जी पे भी टिकट नहीं मांगी, इसलिए मैंने नहीं मिला। एक और सवाल है कि सिंधिया जी चुनाव में लड़ रहे हैं, पिछली बार हार गए थे, इस बार कैसे देख रही है? कांग्रेस कोई मजबूत प्रत्याशी ढूंढ रही है वहां पर, अरुण यादव जैसे कोई मजबूत नेता को? महाराज से मजबूत वह कोई नहीं आएगा। श्रीमद ज्योतिराव सिंधिया गुना सीट से चुनाव जीतेंगे, ये हम गारंटी दे रहे हैं। कल आपने मैडम कार्यक्रम के दौरान कहा था कि कांग्रेस किस तरह की नहीं, ये नहीं कहा था, आपने गलत सुना। मैंने ये कहा था कि जब पहले सांसद लड़े थे सेजवत जी, विवेक सेजवत, तो जब मैं कांग्रेस में थी, लेकिन उनके बाद मैं 60,000 से वोटों से जीती थी। अब मैंने 83,000 वोट लिए हैं। पहले 30-32,000 वोट आते थे, लेकिन अब 83,000 वोट जब मैंने लिए हैं तो मैं कम से कम 83,000 वोट से डबरा की विधानसभा से लोग जो हमारे प्रत्याशी है भारत सिंह कुशवाहा उनको दिलाऊंगी 83,000 वोट। आपने पंच से कहा था कि ऐसे सरकार रहे जो भारतीय जनता पार्टी मांग होती समय लात मारते। हाँ, कहा था ये मैंने सच कहा था कि जो मंच पर खड़े होकर चिल्लाते हो और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ, और जब माँ का टाइम आता है तो आप उन्हीं के साथ गलत करते हो, वोट कांग्रेस को दिलाते हो, कहते हो भारतीय जनता पार्टी माँ है तो लात मार देंगे। तो है चुनाव में आपके समाज चुनाव में गद्दारी हुई, आपकी गद्दारी हुई यही है? आपको पता नहीं किस तरह हमसे क्या पूछ रहे हैं, किस तरह की गद्दारी हुई आपकी? नहीं, आपको पता है कि किसी भी कार्यकर्ता ने एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल चाहे जिला अध्यक्ष चाहे महामंत्री किसी ने काम करा हो तो आप बता दो। किसी ने काम नहीं किया, मैंने तो चुनाव अपनी दम पर लड़ा। किसके इशारे पर हुआ ये? इतनी ताकत तो नहीं है और के इशारे पे भाव है, चुनाव ही तो हारे परी थोड़ी है हमने। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।